मॉर्निंग गाइज, इट्स डे 3 इन भीमताल एंड ओ माई गॉड चाय लवर. ओके सो वी आर हैविंग टी एंड ये व्यू तो मतलब घर जैसा हो गया है. आई मीन लुक एट दिस. एंड इसके साथ रह रहे ना, मतलब मुझे भी चाय का इतना वो हो गया ना चस्का कि, और साथ में क्या है, अजवाइन कुकीज़. ये मेरे फेवरेट हैं बाय द वे. मैं चाय खाली नहीं पी सकती हूँ. मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ खाली, बट चाय आई कांट. सो या वी आर गोइंग टू हैव टी एंड इसके बाद बस हमको फिर रेडी वेडी होना है ब्रेकफास्ट करके. ओके सो आफ्टर चाय हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट पे मैंने खाए आलू के पराठे एंड तारिका हैड सैंडविच. बाय द वे द लेक हिल जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, इनका इन हाउस रेस्टोरेंट भी है, डाइनिंग है, जहाँ पर आप फूड ऑर्डर करके आप नीचे भी खा सकते हो. बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर हमने डिनर तो ऊपर ही किया था अपने रूम में, एंड देन हमने ब्रेकफास्ट पे लगा कि कोई है नहीं यहाँ पे अभी बैठा हुआ, सो हमने फिर नीचे ही वहीं पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर लिया बिकॉज दे वर टेकिंग ऑल सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग. एंड देन चलो मैं आपको अपना रूम ले चलती हूँ बिकॉज या रूम टूर इज़ लाइक मस्ट. सो येस, दिस इज़ आर फैमिली सूट और इस स्वीट रूम में जो है बाहर बालकनी भी है, बहुत ही अच्छा टेरेस है, टेरेस गार्डन काइंड ऑफ कह सकते हो. एंड दिस इज़ आर बेडरूम और बहुत ही अच्छा कोजी ह्यूज बेड एंड साइड टेबल, वहाँ पर फ़ोन एंड ये सारी चीज़ें हैं. उसके बाद राइट साइड में जो है वॉशरूम है. वॉशरूम में सबसे बेस्ट इज़ जकूजी. ओ माई गॉड. और इस जकूजी में मैंने जो आराम फरमाया रात को, आए हाय गर्म पानी के टब में, बहुत ही मज़ा आ गया. तो ये जो है ये सूट रूम में आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी. एंड देन वी हैव लाइक लिविंग रूम, यू कैन से दैट. यहाँ पर भी टीवी है, बेडरूम में भी टीवी है. यहाँ पर बहुत ही सही कंफर्टेबल सोफ़ा है, और अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो जो सोफ़ा कम बेड भी है आप इसे बेड भी बना सकते हो. एंड यहाँ पर लाइक कॉफ़ी मशीन एंड एवरीथिंग. एंड देन आपका व्यू इज़ अमेजिंग. भीमताल लेक का आपको व्यू मिलता है आपके रूम से, और यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी. इनके सारे रूम में वैसे आपको लेक का व्यू मिलेगा मोस्ट ऑफ द रूम्स में, बट दिस रूम हैज़ अमेजिंग विदाउट एनी इंटरप्शन, सही वाला ऑसम वाला व्यू. एंड यहाँ से भी एक गैलरी है छोटा सा, जहाँ पर आप खड़े होकर शाम को अपनी चाय की चुस्की ले सकते हो. एंड जैसे कि यहाँ से आप वापस अपने लिविंग रूम में वापस आओगे और राइट हैंड साइड पे अगेन एक दरवाज़ा है, यहाँ से आपको जो है टेरेस गार्डन है जिसमें अच्छे से शेड भी बनाया हुआ है, ताकि आप धूप में, धूप है तो आप थोड़ा बैठ के तारिका जैसे काम कर रही है, यू कैन वर्क हियर एंड वर्क विद अ व्यू. यस, वर्केशन आजकल जो लोग कर रहे हैं, यू कैन कम हियर, आराम से काम करो, व्यू के साथ चिल करो, क्या कहते हो? We are having lunch. I mean not having, but अभी हमारा lunch आया है and we are going to have outside हमारे इस room के बाहर. यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा ये थोड़ा सा space है, outdoor space. So here we are having lunch. और lunch में आज क्या क्या है, let me show you. So we have इसमें आई गेस दाल होगी, दाल पचरंगी, which is looking so yum, nice. I'm a दाल lover truly. And then we have, it's a mix vegetable. And we have naan and tandoori, isko hum kholte hain. And favorite papad and salad. So yeah, okay, oops. So yeah, this is our lunch and we are having with a view. एंड राइट आफ्टर लंच मुझे लगा कि मुझे थोड़ा मेरा काम कर लेना चाहिए, सो मैं भी अपने लैपटॉप लेकर बैठ गई थोड़ा बहुत एडिटिंग करने के लिए. और मैंने थोड़ा एडिट किया साथ में, वो कप में कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं है, गर्म पानी है. हाँ, मैं थोड़ा ऐसा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीती हूँ और थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, तो मैं व्यू को थोड़ा इन्जॉय कर रही थी. थोड़ा बहुत मैंने काम किया एंड लेक व्यू शाम को सनसेट के टाइम पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, जैसे कि लोग बोटिंग वगैरह भी करते हैं भीमताल लेक में. अब यहाँ पर सिर्फ भीमताल लेक ही देखने को और सामने थी, तो हमने ज़्यादा जाने का कष्ट नहीं किया, क्योंकि बोटिंग के लिए तारिका फ्री थी नहीं और मुझे अकेले जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है. यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड राइट, अकेले अकेले बोटिंग कर रहे हो, मतलब लाइफ में इतना ही दुख छाया हुआ है सिंगलपन का.
क्या बताएं. ओके एंड मैंने थोड़ा बहुत चिल किया, बट फिर मुझे लगा कि थोड़ा देर चलो नीचे चलते हैं और लेक के किनारे थोड़ा बैठेंगे. तो वहाँ पर काफ़ी जो है अच्छा लग रहा था, शांति लग रही थी, बोट्स थे, बोट्स की आवाज़ और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लग रहा था, सूदिंग लग रहा था. और लेक के पास ज़्यादा टूरिस्ट थे नहीं, क्योंकि इतने कुछ लोग थे आसपास, ज़्यादा लोग थे नहीं, तो बहुत ही शांति भरा माहौल लग रहा था. एंड सनसेट हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर वहीं पर बैठी रही एंड थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो वोटो क्लिक किया एंड उसके बाद मैं वापस अपने रूम में आ गई. गाइज सो फाइनली वी आर लीविंग दिस प्लेस. ओ माई गॉड, मतलब थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है बिकॉज इतनी प्यारी जगह को छोड़कर जाने का ऐसा दिल नहीं कर रहा है, बट इजंट इट लुकिंग लाइक वॉलपेपर. मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा वॉलपेपर जैसा ही लग रहा है, बट येस. अब जाने से पहले आपको बता दूँ कि येस, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि हमने कहाँ पर स्टे किया था एंड विच रूम इट वॉज. सो हमने स्टे किया द लेक हिल, जो कि भीमताल में है, और भीमताल में एकदम लेक के जस्ट सामने है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है आपको एंड इज द लेक एकदम सामने लेक के है और हिल्स भी दिख रही है आपको. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी एंड यहाँ पर हमारा ये जो रूम है, क्योंकि मैंने रूम टूर पहले ही दे दिया है, बट स्टिल चलते हैं. थोड़ा बाहर आउटडोर स्पेस है, देन दिस लिविंग एरिया एंड देन दिस बेडरूम एंड जॉइंट बाथरूम विद अ बाथटब, जकूजी एंड ऑल दैट. सो ये सूट रूम है इनका एंड आप इसे बुक कर सकते हो, ग्रैंड सूट रूम या विद अ बालकनी. सो इट्स ग्रेट एंड इफ यू आर कमिंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप चिल बहुत मस्त चिल कर सकते हो. सो या एंड इसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इफ़ यू वॉन्ट टू बुक दिस प्रॉपर्टी इफ़ यू आर कमिंग हियर लाइक कभी भी. सो या एंड वी आर लिविंग. आई डोंट नो क्यों मैं इतना ऐसे हाफ रही हूँ, बाय द वे पता नहीं, मतलब ऐसा दिल नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे अजीब वियर्ड सी नहीं फीलिंग होती है, वैसी वाली फीलिंग है. तो या वी आर लिविंग एंड बस अब दिल्ली जाएंगे तो क्या ही दिखाऊंगी रास्ते में यार. सो वही थोड़ी वादियों को ऐसे निहारते हुए जाऊंगी. सो आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हियर, विल सी यू विद अनदर वीडियो अनदर प्लेस. अब पता नहीं नेक्स्ट कहाँ जाने वाली हूँ. सो या एंड तारिका इज गेयरिंग मास्क एंड ऑल दैट. या तो टाटा बाय बाय एंड बस जाते जाते इतना कहेंगे कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूँ ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड don't forget to like, share and subscribe to my channel and press the bell notification as well so that you'll notified every time when I upload new video on my YouTube channel. Until the next video, tara, bye bye.